अगली खबर आ रही है मंडला से, जहां जिले की पंचायतों में रविवार से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। पैसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने के बाद ग्राम सभाएं सशक्त हो चुकी हैं। ऐसे में 3 दिसंबर तक जिले की सभी पंचायतों में आयोजित होने वाली इन ग्राम सभाओं का महत्व बढ़ जाता है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जनजाति एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े विभागों की बैठक कर सभी जनपद सीईओ को ग्राम सभाओं के लिए एजेंडे के बिंदु तैयार करने और ग्राम सभाओं का प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से 15 नवंबर से लागू किए गए पैसा एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों से पैसा एक्ट को पढ़कर समझने की बात कही। मंडला जैसे जनजातीय क्षेत्रों में वर्षों से चुनावी मुद्दा रहा पैसा एक्ट अब लागू हो गया है। इसकी मदद से सरकार अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं के माध्यम से जनजाति समाज को जल जंगल जमीन प्रबंधन के अधिकार देकर उन्हें अधिकार संपन्न किया है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने पैसा कानून को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे पंचायत की ग्राम सभा सशक्त होती है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कदम है जिससे पंचायत, ग्राम सभा एवं पंचायत की समितियां सशक्त होंगी। पंचायत एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर आगे बढ़ेगा, साथ ही जनजाति समाज की संस्कृत परंपरा और संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पैसा कानून के ड्राफ्ट को पहले पब्लिक के सामने रखा गया, लोगों के सुझावों के आधार पर संशोधन कर सरकार ने इसे लागू किया है। इसमें ग्राम सभा को सशक्त किया गया है। राजस्व, वन संपदा आदि पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों में ग्राम सभा का निर्णय ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि इसका प्रारूप और जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक होना चाहिए ताकि इसको हम और प्रभावी कैसे बना सकते हैं, इसका प्रयास हमको करना पड़ेगा। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम ने मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू करने के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया गया है, शासकीय कर्मचारियों को सचिव बनाया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वे दबाव में काम करें। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज को दिया गया अधिकार ठीक है, जनजाति समाज आज खनिज पदार्थ जमीनों को लेकर जागरूक नहीं है। यदि उन्होंने पैसा एक्ट के अधिकार को ठीक से समझ लिया तो वे विकास कर जाएंगे। ट्राइबल कम्युनिटी या उसके जो अपने कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा पाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है। इसकी पूरी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, सूचना नीचे तक होना चाहिए ताकि इसको और कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास इसके अंदर करना। जैसे खनिज पदार्थ हैं जमीनों को लेके, तो वो इतने अवेयर नहीं हैं, और अगर उनको सही में अधिकार समझ में आ गए तो इतने में ही डेवलप कर जाएंगे।